मेरी पत्नी का एक पाव नहीं था, लेकिन वह बहुत अमीर घराने से थी, इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली। वह एक पैर में नकली पाव लगाती थी। हम दोनों घर में अकेले रहते थे, लेकिन रोज रात को मुझे छत से अजीब अजीब सी आवाजें आती और मेरी पत्नी भी बिस्तर से गायब होती, पर उसका नकली पाव कमरे में ही पड़ी रहता। एक दिन मैंने छत पर जाकर देखा तो मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, क्योंकि वहाँ मेरी पत्नी ने एक बहुत बड़ा, मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी। जब मुझे लड़की की फोटो दिखाई गई तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। मेरे दिल में बहुत सारे जज्बात थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसके एक पाव में कुछ गड़बड़ है तो मेरे होश उड़ गए। बल्कि यही नहीं, वो तो उसकी जगह एक नकली पैर का इस्तेमाल भी करती है। मैं रिश्ता करवाने वाले पर गुस्सा हो गया और उससे कहा कि मुझ पर कौन से बुरे दिन आए हैं कि मैं बिना पैर की लड़की से शादी करूं। मैं अच्छा भला खूबसूरत नौजवान हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, तो फिर मैं इस तरह का कड़वा घूंट आंखें बंद करके कैसे पी जाऊं? मुझे मेरे रिश्तेदारों ने भी समझाया कि भले ही इस लड़की के एक पाव में कमी है, लेकिन यह लड़की बहुत अमीर घराने से है, मगर इसको अपनी इस कमी का एहसास है, इसलिए यह एक मिडिल क्लास लड़के से शादी करना चाहती है। अगर इसका ये पाव भी ठीक होता तो तुम इसके साए तक भी ना पहुंच पाते। यह बात मेरे दिल को लगी और मैंने उस लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसका नाम पूनम था। वह वाकई बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसका एक बहुत बड़ा घर था और उस घर में वो बिल्कुल अकेली रहती थी। खैर, उससे मेरी शादी हो गई, लेकिन जैसे ही रात को मैं उसके पास गया तो उसने मुझे अपने पास बैठने से भी इनकार कर दिया और बोली कि मैंने कसम खाई है और भगवान से भी वादा किया हुआ है, मैं एक महीना तक आपके साथ नहीं सो सकती, क्योंकि मैंने भगवान से एक मन्नत मांगी थी कि अगर मुझे मेरी पसंद के पतिदेव मिले तो मैं एक महीना तक लगातार उपवास करूंगी और एक महीना तक ही अपने पति के साथ भी नहीं सोऊंगी। मैं उसकी इस तरह की अजीब शर्त पर हैरान था, लेकिन क्या करता, मैं ठहरा सीधा सादा अनपढ़ इंसान, इसलिए उसकी इस शर्त को मानने पर राजी हो गया। और फिर वह बोली कि हम इस घर में ही रहेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर इधर कौन रहेगा, और इस घर को संभालने वाला मेरा और कोई भी नहीं है। मैंने कहा कि मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा इस घर को। अब वह घर भी मेरा था और पूनम की सारी दौलत भी मेरी थी, और इधर पूनम को भी इससे कोई मतलब नहीं था। मैं इस बात पर खुश जरूर था कि मेरी पत्नी के साथ साथ मुझे दौलत और घर भी मिल गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था, क्योंकि वह इतनी प्यारी थी कि उससे कोई भी मोहब्बत कर सकता था। मैं उसे पाकर बहुत खुश था। खैर, वक्त गुजरने लगा, लेकिन कुछ दिन बाद ही उस घर में एक अजीब सी हरकत होने लगी जिसके बारे में मुझे अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था, और यह कोई छोटी बात नहीं थी। मुझे रात को अपने कमरे की छत पर से अजीब तरह की आवाजें आती, जैसे वहाँ पर कोई है। एक बार मैं चेक करने के लिए ऊपर ही चला गया। मुझे लगा कि कोई चोर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऊपर बहुत ज्यादा अंधेरा था। पूनम ने कहा कि छत पर कई सालों से कोई भी नहीं जाता है और छत की किसी ने देखभाल भी नहीं की है, क्योंकि मैं अपने पैर की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पाती, इसीलिए मैंने वहाँ का काम भी नहीं करवाया है। मैंने उससे कहा कि मुझे भी छत पर नहीं जाना, क्योंकि अगर तुम ऊपर नहीं जा सकती तो फिर मैं भी ऊपर नहीं जाऊँगा, इसलिए वहाँ का काम करवाना जरूरी नहीं है, बेकार में खर्चा क्यों किया जाए, लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। आज के दिन भी मुझे रात को आवाज आई और मैं जाग गया, लेकिन जब मैंने अपने साथ वाले बिस्तर पर देखा तो मेरी जान निकल गई। मैंने देखा कि मेरी पत्नी का वो नकली पाव बिस्तर नीचे पड़ा था और मेरी पत्नी कमरे से गायब थी। वह नकली पैर का इस्तेमाल सारा दिन करती थी, लेकिन रात को सोने से पहले उतार देती थी, लेकिन आज वह उसके बगैर कहीं कैसे जा सकती थी। मैं सोच में पड़ गया। वो तो व्हील चेयर का इस्तेमाल भी नहीं करती थी, बस इस नकली पैर के सहारे से ही यह थोड़ा बहुत चल पाती थी। भले ही उसे चलने में थोड़ी देर लगती थी, लेकिन व्हील चेयर पर बैठना वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी।
उसका कहना था कि मुझे व्हील चेयर पर बैठने से नफरत है। उसे वह बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करती थी, लेकिन ये क्या, नकली पैर तो उसका यहीं पड़ा था, तो ऐसे में वह कहाँ जा सकती थी। जब से शादी हुई थी मेरी पत्नी ने मुझे किसी से भी नहीं मिलाया था, जबकि मुझे कहा गया था कि उसका एक बड़ा कारोबार है जो बहुत सारे लोग मिलकर चलाते हैं। उसने बस मुझे घर की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन कारोबार के बारे में कुछ नहीं बताया था। घर में पैसे तो आ रहे थे, लेकिन कहां से आ रहे थे यह मुझे बिल्कुल नहीं पता था। खैर, अभी मैं अपनी पत्नी को तलाश करना चाहता था, क्योंकि अगर वह बिना पैर के कहीं गई थी तो उसका मतलब कि वह चल सकती थी और वह ड्रामा कर रही थी, वरना एक इंसान अपने पैर के बिना कहीं कैसे जा सकता है। तो फिर वह कमरे से बाहर कैसे हैं? बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन बाथरूम में नहीं थी। मैं कमरे से बाहर निकल गया और उसको ढूंढने लगा, लेकिन फिर मुझे कमरे से हल्की सी आवाज आई। जब मैं वापस आया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी पत्नी बेड पर बैठी थी और कोई किताब पढ़ रही थी। मैंने कहा कि अभी तुम कहाँ गई थी, तो कहने लगी कि मैं तो कहीं भी नहीं गई थी। मैंने कहा कि मजाक मत करो, मैं अभी बिस्तर से तुम्हें ही तो तलाश करने के लिए उठा था। उसने कहा कि तुम्हें आज हो क्या गया है, मुझे लगता है कि तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा। मैंने अपनी पत्नी से इतनी बहस नहीं की और सोचने लगा, जब उसने झूठ बोल ही दिया है तो इसका मतलब वह मुझसे हमेशा झूठ बोलती आ रही थी, लेकिन इतना सफेद झूठ वह मुझसे क्यों बोल रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वह कमरे में नहीं थी, तो फिर वह मुझसे ऐसा झूठ क्यों बोल रही थी। क्या वह नहीं समझती थी कि वह एक अपाहिज लड़की है? अगर वह इस तरह से झूठ बोलेगी तो पकड़ी जाएगी। अचानक से मैं भी बदल गया और मैंने कहा, शायद मुझे गलत फहमी हो गई होगी, असल में तुम इतनी पतली हो कि तुम बिस्तर में पड़ी होते हुए भी नजर नहीं आती, रजाई में तो इंसान जैसे खो ही जाता है। मैं अपनी बात पर हंसने लगा और उसने भी मेरा साथ दिया। उसके बाद मैं सो गया, लेकिन मैं सोया नहीं था, असल में मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन मुझे फिर से छत पर किसी के चलने की आवाज आई और जब पलट कर देखा तो मेरी पत्नी कमरे में नहीं थी। लेकिन आज मैं सोने का ड्रामा करता रहा, क्योंकि कल मुझे उस राज से पर्दा उठाना था और मैं चाहता था कि मेरी पत्नी थोड़ी बेफिक्र हो जाए, कहीं वह सावधान ना हो गई हो, क्योंकि अगर वह इतना बड़ा खेल खेल रही थी तो इसका मतलब कि वह आम इंसान नहीं थी, वह बहुत चालाक औरत थी। आज फिर छत से आवाज आई और मैंने फिर से पलट कर देखा तो वो आज भी बिस्तर पर नहीं थी और उसका नकली पैर भी वहीं बिस्तर पर ही पड़ा था, जिसे आज भी वो कपड़े से ढककर गई थी। लेकिन आज मैं हाथ में टॉर्च लेकर छत की तरफ चल पड़ा। मेरी पत्नी ने तो कहा था कि छत पर बहुत सालों से कोई नहीं गया और वहां पर बहुत गंदगी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने दरवाजा बहुत ही आहिस्ता से खोला और देखा तो महसूस हुआ कि जैसे रोज यहाँ कोई आता जाता है और उसको साफ भी किया जाता है। जाहिर है जब वह मुझसे इतनी झूठ बोल रही थी तो एक और झूठ भी बोल सकती थी। ऊपर गया तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मुझे किसी मर्द की आवाज आई। क्या मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी? क्या वह किसी और मर्द के साथ छत पर मौजूद थी और मुझे इतना बड़ा धोखा देकर मेरे साथ बेवफाई कर रही थी? लेकिन क्यों, मैंने तो उसमें कमी होने के बावजूद भी उससे शादी की, इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं ऊपर गया तो सब कुछ बिल्कुल साफ था और लाइट भी ऑन थी। ऊपर एक कमरा भी बनाया गया था। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ऐसा मंजर नहीं देखना चाहता था कि जिसको मैं कभी भी भुला ना सकूं। लेकिन मैंने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो सामने एक ऐसा ही मंजर मेरा इंतजार कर रहा था। उस कमरे में एक आदमी बैठा जो कंप्यूटर पर काम कर रहा था और मेरी पत्नी उसके पास बैठी थी। मेरी पत्नी का पैर सही सलामत था, उसका पैर बिल्कुल ठीक था। वह दोनों मुझे देखकर हैरान हो गए और मैं वहां से वापस जाने लगा। मेरी पत्नी भागते हुए मेरे पीछे आई और उसको चलता हुआ देखकर मैं रुक गया। तो मैंने कहा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला,
तो वो कहने लगी कि असल में मैं एक ऐसा काम करती हूँ जिसके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, लेकिन यह काम मेरे देश के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है और ना ही यहाँ के रहने वालों के लिए बुरा है, लेकिन हम यह बातें किसी को बता नहीं सकते। मैंने जानबूझकर एक पैर ना होने का ड्रामा किया हुआ है, क्योंकि ऐसे काम में शक का खतरा था। किसी को मुझसे शादी करने की इजाजत नहीं थी। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, लेकिन अपने दिन के हाथों मजबूर होकर अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने तुमसे शादी कर ली, पर मैं तुम्हें भी इस राज से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि यह काम बहुत ही खतरनाक है और अगर लोगों को यह पता चल गया कि मेरी कोई कमजोरी है तो वह मेरी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। इसके बाद मुझे मेरी पत्नी ने सारी बात समझा दी और सच में मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा था। उसका झूठ बोलना उसकी मजबूरी थी। वह एक गवर्नमेंट जासूस थी, लेकिन जब मैंने उसको उसके कदमों पर खड़ा देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम में कोई भी नुक्स नहीं है, लेकिन तुमने मुझसे यह सब इतने दिनों तक कैसे छुपाए रखा? उसने कहा कि हमें भेष बदलना सिखाया जाता है और जगह जगह जाकर क्रिमिनल पर घात लगाना सिखाया जाता है। मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम एक सीधे साधे इंसान हो। अगर मैं तुम्हें भी बेवकूफ नहीं बना सकती तो फिर क्रिमिनल को कैसे बेवकूफ बनाऊंगी? मैं उसकी इस बात पर हंसने लगा और मैंने कहा कि इस बेवकूफ को कहीं छोड़ तो नहीं दोगी ना? तो कहने लगी कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हमारी जिंदगी आम लोगों से थोड़ी अलग होगी। मैंने उससे कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने की कोशिश करूंगा। उसने मुझसे कहा था कि तुम घर संभालो, क्योंकि उसका काम मैं नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे उस पर गर्व है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।